एनोमली स्कैन, क्या है ये एनोमली स्कैन, क्यों जरूरी है ये एनोमली स्कैन प्रेगनेंसी में कराना, किस बातों की जानकारी हमें मिलेंगी, यदि इसमें कोई खराबी पता चले तो क्या किया जाएगा, क्या होगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस सोनोग्राफी में और चेकिंग में, ये टॉप 5 टिप्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। आज हम डिस्कस करेंगे एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफिक टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के 19-20 हफ्ते पे किया जाता है। प्रेगनेंसी के आधे रास्ते पर, जब आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के पास पहुंच रही है, उसके जस्ट पहले ये सोनोग्राफी किया जाता है। क्या है ये एनोमली स्कैन? ये एक सोनोग्राफी की इन्वेस्टिगेशन है, जब डॉक्टर आपको सोनोग्राफी करके पेट के द्वारा ऊपर से सोनोग्राफी करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली बेबी में कोई प्रॉब्लम है या कोई विषमता है या कोई दोष है या कोई खराबी है या नहीं। और ये एक चीज़ जानकारी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नंबर 2 क्वेश्चन कि ये कब किया जाता है और किस समय में बेस्ट टाइम है। क्यों 19-20 वीक्स? क्योंकि इस वक्त अब आपके शरीर के ज़्यादातर ऑर्गन्स जो हैं, ज़्यादातर भाग हैं, वो बन चुके हैं। आपके शरीर के जो अंग हैं उनका डेवलपमेंट, फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके आगे उनका ग्रोथ और साइज बढ़ेगा और उनके अंदर मैच्योरिटी और एक्शन फंक्शन बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम 19-20 वीक्स को टाइम मानते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से सारे ऑर्गन बराबर है कि नहीं, ये देखने के लिए स्कैन किया जा सकता है। कानून हमारे देश में कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 20 हफ्ते के बाद यदि कोई दोष या कोई विषमता पता भी चल जाए तो भी एक्शन लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि लीगली हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। सो यदि कोई मेजर इशू पिकअप होता है तो उसे सही समय पे एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए 20 हफ्ते के पहले स्कैन किया जाता है। ये होगी दूसरा इंपॉर्टेंट टिप। तीसरा टिप, क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और किन एबनॉर्मैलिटीज़ को पिकअप किया जाता है। सो अगर हम ये सोनोग्राफी 20 हफ्ते पे करते हैं, सो सर से लेके पांव तक सारे बॉडी के अंग, विभिन्न अंग देखे जाते हैं। हेड बराबर डेवलप हुआ है कि नहीं, फेस बराबर डेवलप हुआ है कि नहीं, कहीं कोई क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, लिप्स के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, नोज़ बराबर डेवलप हो रही है कि नहीं, आँखें बराबर है कि नहीं साइज़, कभी कभी किसी में कोई मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं तो एक ही आँख हुई है, अब आँख बराबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड क्लोज है कि नहीं, ओपन न्यूरल टिप डिफेक्ट तो नहीं है, थोरैक्स के अंदर हार्ट बराबर है कि नहीं, पेट बराबर, पेट की जो दीवार है वो बराबर क्लोज हो गई है या नहीं, सारे अंग उसके अंदर चले गए हैं कि नहीं, कोई डायफ्रामेटिक हर्निया या डायफ्राम में कोई ओपनिंग तो नहीं रह गई है, लिवर, किडनी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, किडनीज हमारे ग्रो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ब्लैडर बराबर फिल हो रहा है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें, हाथ पैर नंबर्स बराबर है कि नहीं, उंगलियाँ बराबर डेवलप हो रही हैं कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स उसमें हम देखे जाते हैं, एक 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 छोटी छोटी चीज़ देखी जाती है। क्या सारी प्रॉब्लम्स पिकअप हो सकती है? नहीं, डॉक्टर भी इंसान है, ये भी एक मशीन है, हर चीज़ तो दिखाई नहीं दे सकती है, लेकिन काफ़ी सारी ज़्यादातर चीज़ें पता चल सकती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के 75-90% एबनॉर्मलिटीज़ पिकअप होते हैं, एक्सेप्ट फॉर हार्ट। कहा जाता है कि आधी बीमारियां जो हार्ट की, वो पिकअप नहीं हो सकती। ये टेक्निकल इशू है, डेवलपमेंटल इशू है, जो पिकअप होना कठिन है और पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम पिकअप हो जाए, उन लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि हम उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। और यदि एस्टाब्लिश हो गया कि सब चीज़ नॉर्मल है, तो एटलीस्ट हमें एक संतुष्टि होती है कि भाई चलो, अब तक जो प्रेगनेंसी हमारी है सही चल रही है। अब आखिरी जो 5th टिप है वो ये है कि यदि कोई प्रॉब्लम, नो आई थिंक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि सोनोग्राफी करते वक्त किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और डॉक्टर के पास जाएं तो क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं एनोमली स्कैन कराने, तो नॉर्मली एनोमली स्कैन के समय आप खाना पीना खा पी के जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भूखे पेट रहना है। प्लीज़ टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाएं, क्योंकि सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका अपॉइंटमेंट आप मिस कर देंगे और इसको लेट करेंगे तो ये सही बात नहीं होगी। वहाँ जाएंगे तो नॉर्मली पेशाब ब्लैडर फुल होगा तो अच्छा होता है, तो उससे इजीली एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन यदि आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लैडर एम्प्टी करके आप चेकअप कराएं, तो आप उस हिसाब से उनकी जो, जब वो प्रोब रख के देखते हैं अपने हिसाब से बताते हैं, तो उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए। वहाँ होगा क्या, ये इंटरनल सोनोग्राफी नहीं है,
ये ऊपर से सोनोग्राफी की जाएगी, पेट पर थोड़ा जली लगाया जाएगा, थोड़ा ठंडा लगता है वो हमें इसी किस्म में सम टाइम जब लेटते हैं तो, और थोड़ा सा चिपचिपाहट लगती है, बट देन वो जो जली है बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वो प्रोब रखते हैं तो वो साउंड वेव जो पास होती है तो उसके लिए आसानी होती है, दिखता भी साफ़ है, वो चेक करके बेबी के सारे अंग देखे जाएंगे। इसमें कुछ समय लगता है, कभी कभी आधे घंटे के ऊपर लग जाता है, हाफ एन आवर के ऊपर जब वो चेक करते हैं, कभी कभी सब चीज़ इजीली दिख जाती है, पोजीशन बेबी का फेवरेबल होता है तो जल्दी भी हो सकता है। जब सोनोग्राफी करते हैं तो क्या हमें बच्चा ठीक से दिखेगा? यस, आप देख सकते हैं। क्या इसमें हमें दर्द होगा? नहीं, आपको दर्द नहीं होता। क्या बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं, बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या मेरा पार्टनर या मेरे फैमिली मेंबर कोई एक जन हमारे साथ में रुक सकता है वहाँ? हाँ, रुक सकता है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर तो नॉर्मली आपको परमिट करते हैं ऐसे मौके पे। अगर कोई प्रॉब्लम पिकअप हो गई तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये आखिरी टिप है जो हमें सोचना है। आखिरी टिप ये है कि यदि कोई प्रॉब्लम पिकअप हो जाती है सो आपके डॉक्टर, आपके फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, आपके रेडियोलॉजिस्ट ये आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके साथ में ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या है। पहला बात पहलू ये है कि क्या वो जो प्रॉब्लम पिकअप हुई है वो लाइफ के साथ में कंपैटिबल है या नहीं, यानी बच्चा जीवित रह पाएगा कि नहीं उस एबनॉर्मलिटी के साथ। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू हम चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है इसका कोई इलाज है या नहीं, और तीसरी यदि इलाज है भी या नहीं भी तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होगा ये प्रॉब्लम के साथ। ऐसे कई प्रकार के इश्यूज डिस्कस करते हैं। आमतौर पे हमारे जैसे सेटअप में हम जब ये चीज़ पिकअप करते हैं तो हम गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन तो हम इन्वॉल्व होते ही हैं, पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जो स्पेशलिस्ट हैं जो उसकी स्पेशल ओपिनियन देते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, समटाइम जेनेटिसिस्ट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है क्योंकि कई बार एबनॉर्मलिटी मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एबनॉर्मलिटी जेनेटिक सिंड्रोम्स हो सकती है जो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ के लिए आगे आउटकम क्या होगा और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स, एनोमली स्कैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो आपके डॉक्टर और आपके लिए प्रेगनेंसी प्लान करने में और प्रेगनेंसी को प्लानिंग का पूरा चॉकआउट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। यह एक सोनोग्राफी है जो आप किसी कीमत पे मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये सोनोग्राफी सही समय पे नहीं की तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और जीवन पूरा बहुत ही अलग होगा यदि हमने एक्शन नहीं लिया तो। डू नॉट मिस योर एनोमली स्कैन। डॉक्टर जब भी आपसे कहें तो जरूर कराएं। थैंक यू।